हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोन में आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। गाइस इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अदर फोन में आपने देखा होगा कि आप थ्री फिंगर स्वाइप डाउन करते हैं तो स्क्रीन शॉट आ जाता है, लेकिन सैमसंग के फ़ोन के अंदर आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो इसमें आपको सिर्फ दो एक ऑप्शन मिलते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो वो हम बताते हैं आपको कौन कौन से। जैसे आपको एक पहला ऑप्शन देखने को मिलता है अपने फ़ोन के अंदर, आपको स्क्रीनशॉट पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, यहाँ से हम ले लेते हैं इसे पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन। जब आप दोनों एक साथ प्रेस करते हैं तब आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है यहाँ से। अगर आपको एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो उसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। तो हम सेटिंग में आ जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन दोनों एक साथ प्रेस करते हैं और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रॉल, इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल पर क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको चाहिए वहाँ से आप एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।